हेलो एवरीवन, दिस इज मन मोहन तिवारी एंड योर गुरु चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज है संडे और संडे के दिन हम कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी लेके आते हैं। चलिए क्वेरी सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेरी है वो कृष्णन जी के साइड से है। ये पूछ रहे हैं, हू हैव इन्वेस्टेड इन SIP फॉर 3 to 4 ईयर बट नाउ कैंसल SIP बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। हाउ टू प्रोटेक्ट द ओनली सेविंग ड्यूरिंग दिस पीक मार्केट सिचुएशन, प्लीज एडवाइज। देखो, मैंने वीडियो में कई बार बताया है कि ऐसे सिचुएशन के लिए आपको इमरजेंसी फंड तैयार करके रखना चाहिए। हमेशा इन्वेस्टर को बताता हूँ कि इमरजेंसी फंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे सिचुएशन के लिए। और अगर आपने इमरजेंसी फंड तैयार करके रखा होता तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपका स्ट्रांग होता। मैं 2-3 राय इन्वेस्टर को देता हूँ। देखो, जब आपके हाथ में सैलरी आती है, जब आपके हाथ में बोनस आता है, जब आपका रेगुलर इनकम होता रहता है, तो उस समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें। साल में आपको 1-2 बार बोनस जरूर मिलता होगा। उस बोनस के पैसे को क्या करते हो? उस बोनस के पैसे को आप यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दो। बाद में कभी भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा और आपका अगर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टॉप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जब पैसा था तो आपने यहाँ पे भर भर के इन्वेस्टमेंट किया और उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम में देखने को मिलेगा। तो जब आपके हाथ में बहुत पैसा होता है, उस समय कोशिश करो कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। दूसरी बात, देखो, फिनेंशियल क्राइसिस किसी के भी साथ हो सकता है, किसी का भी बुरा सिचुएशन आ सकता है। तो कोशिश करो कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, मान लो आज से आपकी SIP बंद हो गई, उस पैसे को विड्रॉ ना करें, उस पैसे को रिडीम ना करें, लॉन्ग टाइम के लिए जाएं, उस पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लें। मान लो 3 साल बाद 2 साल बाद आपका सिचुएशन अब स्ट्रांग हो गया, आप फिनेंशियली स्ट्रांग हो गए, रेगुलर इनकम आने लगा, तो उस समय फिर से आप SIP को स्टार्ट कर देना। जो फंड हैं, जिस फंड में आप कंटिन्यू कर रहे हो, SIP स्टार्ट कर देना। मानता हूँ कि बहुत ऐसे इन्वेस्टर जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनका जॉब चला गया इस सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में, तो उसका असर इन्वेस्टमेंट पर भी देखने को मिला। लेकिन 2 से 3 पॉइंट जो मैंने बताए, अगर इस पॉइंट को कंसीडर करोगे तो कहीं जाके आप इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाओगे। सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया, इमरजेंसी फंड को तैयार करें। दूसरी बात, जब आपके हाथ में इनकम होता है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तीसरी बात, आपको जो भी SIP स्टॉप हुआ है, अगर आपका रेगुलर इनकम यहाँ पे रुक गया है, तो आप उस SIP को रिडीम ना करें, उस पर कंपाउंडिंग बेनिफिट लें। कोशिश करें कि उस पैसे को ना निकालें। इस 3 फंडे के साथ आप इस बुरे सिचुएशन को फेस कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी यहाँ पे सुमन जी का है। ये पूछ रहे हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट 3 साल से रेगुलर फंड में है, अगर मैं इसे डायरेक्ट में चेंज करूँ तो लॉस होगा। देखिए सुमन जी, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और आपका बेसिक नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। हाँ, आपने 3 साल से यहाँ पे रेगुलर फंड को जो मैनेज कर रहे हो, अगर उसको आप डायरेक्ट में ट्रांसफ़र करते हो, एग्जैक्टली डायरेक्ट में शिफ्ट करते हो, तो नुकसान बस यही होगा कि आपको जो 3 साल पहले का NAV का प्राइस रेगुलर में लिया है, वो प्राइस अब आपको डायरेक्ट में नहीं देखने को मिलेगा। 3 साल पहले का प्राइस देखने को नहीं मिलेगा, जो भी अभी करंट प्राइस होगा उस प्राइस पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो देखो, इसका एक तरीका है, आप जिस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगले महीने से उस म्यूचुअल फंड में आप SIP स्टार्ट कर दो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो आपका रेगुलर वाला फंड है, जिसमें आप SIP कर रहे थे, उसको वहाँ पे स्टॉप कर दो। दूसरी बात, आप अगर SIP स्टॉप कर रहे हो रेगुलर वाले, तो देखो कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, नेगेटिव में रिटर्न तो कहीं नहीं मिल रहा। अगर आपको नेगेटिव में रिटर्न नहीं मिल रहा, तो उस पैसे को आप निकाल लें, रिडीम कर लें, और उस पैसे को कहीं ऐसे जगह पार्क करें जहां 8 से 9% का आपको रिटर्न मिलता जाए, जैसे कि कोई डेट फंड में आप पार्क कर सकते हैं। और जब मार्केट में गिरावट हो, जब मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, तो आप उस पैसे को धीरे धीरे 2 से 3 पार्ट में उस म्यूचुअल फंड में, जिसमें आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट किए हो, उसमें लमसम करते जाना। थोड़े थोड़े गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम करते जाना, इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और जो आपको यहाँ पे 3 साल का बेनिफिट नहीं मिल पाया, इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको यहाँ लंबे ड्यूरेशन में आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हो। हाँ, नुकसान कुछ 1% हो सकता है, लेकिन अभी लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी इसको रेगुलर से डायरेक्ट में हाथ में स्विच कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी यहाँ पे मेहरा जी के साइड से है। ये पूछ रहे हैं, सर डायरेक्ट शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है? देखो, 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो
यही सोचते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। रिटर्न के बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे कम रिटर्न देखने को मिलेगा अगर हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें। दूसरी बात, अगर रिस्क के पैरामीटर से हम अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट में रिस्क का पैरामीटर ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कम रिस्क देखने को मिला है। लेकिन देखो, एक फॉर्मूला तो सभी को पता है, ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, कम रिस्क लोगे तो यहाँ पे कम रिटर्न देखने को मिलेगा। वही स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के साथ है। स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा रिटर्न तभी मिलता है क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पर रिटर्न कम देखने को मिल रहा है क्योंकि रिस्क थोड़ा सा कम है कंपेयर टू डायरेक्ट जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन दोनों को मैं अगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, जो मैंने कई बार इन्वेस्टर को एग्जाम्पल के साथ समझाया है। देखो, मान लो दो ग्रुप है, दो मछुआरों का ग्रुप है, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ए ग्रुप यहाँ पे समुद्र के 15 किलोमीटर तक अंदर जाके मछली को पकड़ती है और बी ग्रुप यहाँ पे समुद्र में ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर अंदर जाके मछली को पकड़ती है। अब जो ए ग्रुप है जो 15 किलोमीटर अंदर जाती है, एग्जैक्टली उनका जो कैपेसिटी है डेली जो मछली पकड़ पाते हैं वो 50 केजी तक वो मछली पकड़ पाते हैं, 50 केजी तक वो मछली को लेके आते हैं। बी ग्रुप है वो जो 30 किलोमीटर समुद्र के अंदर जा रही है, ऑलमोस्ट 100 केजी मछली को यहाँ पे पकड़ के लाती है। दोनों का कैपेसिटी अलग है। एग्जैक्टली जो 15 किलोमीटर ग्रुप जा रहा है यहाँ पे 50 केजी मछली लेके आ रहा है, जो 30 किलोमीटर अंदर जा रहा है वहाँ पे 100 केजी मछली लेके आ रहा है। लेकिन सोचो, अगर कोई ऐसा समुद्री तूफान का सिचुएशन हो गया, कोई ऐसा न्यूज़ आया कि अब समुद्री तूफान आने वाला है, सबसे ज़्यादा रिस्क किस पे होगा? एग्जैक्टली ग्रुप बी पे जो 30 किलोमीटर अंदर तक गया है, हो सकता है वो रिटर्न ना आए, हो सकता है जब उसको मैसेज मिले रिटर्न आते आते वो 20 किलोमीटर तक तो आए लेकिन 10 किलोमीटर के चलते हो सकता है कि वो फंस जाए। लेकिन जो ए ग्रुप है, चांसेस बनते हैं कि वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। तो ए ग्रुप पे रिस्क यहाँ पे कम है और बी ग्रुप पे रिस्क ज़्यादा है। दूसरी तरह से बात करें, अगर मान लो नुकसान होता भी है मछलियों का, तो ए ग्रुप को सिर्फ 50 केजी मछली का नुकसान होगा, लेकिन जब बी ग्रुप की बात करें उनको वहाँ पे 100 किलो मछली का नुकसान होगा। अब देखो, जो बी ग्रुप है आप उसको स्टॉक मार्केट समझ लो और जो ए ग्रुप है वो म्यूचुअल फंड उसको समझ लो। अब आप इस एग्जाम्पल के सहारे समझ गए होगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है। रिटर्न दोनों में मिलेंगे, दोनों ग्रुप के मछुआरे मछली पकड़ते हैं, लेकिन रिस्क और यहाँ पर रिटर्न में दोनों में डिफरेंस है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए बढ़ते अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी यहाँ पे आनंद जी का है, ये पूछ रहे हैं फाइनेंशियल पंडित बैलेंस एडवांटेज फंड कौन सा अच्छा है और क्या 3 साल के लिए निवेश करना सही है इस फंड में। आनंद जी देखिए, 3 साल के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए मैं यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा एग्जैक्टली 5 साल तो देखा, देखो 3 साल में भी आपको रिटर्न मिल जाएगा लेकिन थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा 5 साल का समय दें। हाँ, लेकिन अगर आपको 3 साल में अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, एग्जैक्टली आप बाहर निकल जाना, लेकिन आप सोच के चलो, यहाँ मान के चलो कि मेरे को 5 साल यहाँ पे देना ही देना है। आप ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पे सही रहेगा। देखो, मैं यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड आपके लिए लेके आया हूँ। ये हाइब्रिड कैटेगरी का है, आप बैलेंस एडवांटेज के अंदर कंसिडर कर सकते हो। कंसिस्टेंसी के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अगर हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें, रिटर्न का अगर हम यहाँ पे फंड एनालिसिस करें, तो वाकई में बहुत ही एक्सीलेंट पैरामीटर हमें देखने को मिल रहा है और इसलिए मैं ये 2 म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूँगा। सबसे फर्स्ट कैनरा रैपको इक्विटी हाइब्रिड फंड को आप कंसीडर कर सकते हो, या फिर मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड को आप कंसीडर कर सकते हो। मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसका एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी कम है। अगर आप देखोगे तो हाइब्रिड इक्विटी फंड के अंदर सबसे कम एक्सपेंसेस रेशियो में कंसीडर किया जा रहा है। इसको नहीं भी कंसीडर करते, आपके पोर्टफोलियो में कोई और मिराई एसेट का यहाँ पे फंड है, तो यहाँ पे आप कैनरा रैपको इक्विटी हाइब्रिड फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी यहाँ पे भुवनेश्वर जी के साइड से है, ये पूछ रहे हैं सर मेरा एज 18 है, माई पोर्टफोलियो इन क्वांट स्मॉल के फंड SIP 5000, HDFC स्मॉल के फंड SIP 5000, ICICI टेक्नोलॉजी फंड 5000, माई एक्सपर्ट रिटर्न 150% पर ईयर मिल सकता है क्या सर, ओनली फॉर 1 ईयर प्लीज़ रिप्लाई। भुवनेश्वर जी, मैं सबसे पहले बता दूँ, आप बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हो। कोई भी ऐसा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है जो आपको एक साल में इतना रिटर्न देगा। 2020 के हम डाटा को नहीं देखेंगे, ऐसा 10 साल और 5 साल में देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे 150% और 200% का रिटर्न देते हैं, लेकिन ये एक हमेशा नहीं होता। 2020 में मार्केट बहुत ही गिरा हुआ था और उसका बेनिफिट यहाँ पे इन्वेस्टर को मिला, इसलिए कई ऐसे म्यूचुअल फंड में 150% और 200% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन गारंटी नहीं है कि हर साल आपको 150% से 200% का रिटर्न देखने को मिलेगा।
तो इतना बड़ा रिस्क आप ना खेलें। दूसरी बात, अगर मैं कभी भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को फोकस कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोकस ना करें, हमेशा लंबे ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे कंसीडर करें। दूसरी बात, जो आपने यहाँ पे फंड का सिलेक्शन किया है, क्वांट स्मॉल के फंड, एचडीएफसी स्मॉल के फंड, दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। देखो एग्जैक्टली आप बहुत ही कम एज पे खड़े हो, इसका मतलब रिस्क ले सकते हो, लेकिन वन साइडेड रिस्क को लेके चलना क्यों? क्या आप अपने घर के एक पिलर पे ज़्यादा भार दे सकते हो? एग्जैक्टली नहीं दोगे। तो वैसे ही क्या हम अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक स्मॉल कैप को फोकस करके एग्रेसिव इन्वेस्टर अपने आप को समझ के हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी नहीं। देखो आपको मैं यही बोलूँगा, रिस्क लो, इस एज पे आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बना दो। एग्जैक्टली थोड़ा सा मिड कैप का यहाँ पे टेस्ट दो, स्मॉल कैप का टेस्ट दो, आप कुछ परसेंट लार्ज कैप का रखो, नहीं तो अगर नहीं रखना है एग्जैक्टली आप सेक्टर फंड लिए हो, सेक्टर फंड का आपने एक टेस्ट दे दिया। एग्रेसिव इन्वेस्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को हाई कर दो। मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ पे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ बाहर करना चाहिए और किसी या तो मिड कैप को या फिर लार्ज एंड मिड कैप को यहाँ पे जगह देना चाहिए। नो, अगर इस पोर्टफोलियो के साथ चलोगे तो जब गिरावट अगर मार्केट में 10% होगा तो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे 15-20% देखने को मिलेगा। तो भुवनेश्वर जी आप समझ गए होंगे, ये था आज का क्वेरी सेशन। वाकई में आपको क्या लगता है, कुछ एक क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट बॉक्स में आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।